नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 शादीशुदा थे। 7 पुत्रों की बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी, तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी, तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे ये बात याद आई, तब वे दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वो बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई, तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ, तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुँचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। वहाँ शेषनाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने छोटे बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से
हीरे मोती और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करके उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया और रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहां प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।